एक पिंड विच एक किसान रहिंदा सी। उस कोल बहुत घट जमीन सी, इस लई उस दा विआह करन लई कोई तैयार नहीं सी। उहो बहुत मेहनती ते ईमानदार सी। उस दी मेहनत ते ईमानदारी दे सुभाअ नूं देखदिआं किसे भद्दर पुरश ने किसे गरीब घर दी लड़की नाल उस दा विआह करवा दित्ता। उस दी पत्नी भी चंगे परिवार विच पली होण करके पती दे मोढे नाल मोढा जोड़ के काम करदी ते उह घट जमीन विच वध उपज पैदा करन लगे। कुछ समा पा के उहनां दे घर चार पुत्तर पैदा होए। उहनां ने अपनी औलाद नाल बहुत वधिया तरीके नाल पालन पोषण कीता। उहनां दे चारे पुत्तर बड़े आग्ञाकारी सन। उह जो भी काम उहनां नूं कहिंदा उह झट कर दिंदे। जवान हो के चारां पुत्रां ने आपो अपना काम संभाल लिया। एक दिन किसान पिप्पल दे रुख हेठां बैठा बाण दा रस्सा वट रहा सी। पिप्पल उत्ते एक कां यह सब कुछ देख रहा सी। कां ने किसान नूं पुछया कि बाबा जी तुसी यह रस्सा किस लई वट रहे हो। किसान ने वैसे ही कह दिता कि इस नाल तैनू बनागा। कां यह सुन के डर गया ते कहन लगा बाबा जी जेकर तुसी मैनू छड्ड दिओ तां मैं तुहानू पिप्पल दी जड़ विच पए सोने बारे दसांगा। किसान ने कहा ठीक है आ दस। कां ने अपने पंजिआं नाल जड़ फरोलन लगा। किसान ने अपने पुत्र बुलवा के टोया पुटिया ते खजाना हासिल कीता। इस खजाने ते कां बारे एक होर किसान नूं भी पता लगा। उस दे भी चार पुत्र सन। ओह आप भी आलसी सी ते उस दे पुत्र भी उस दे कहने तो बाहर सी। किसान जिसनों भी काम लई कहिंदा ओह उसनों उल्ट जवाब देंदा। एक दिन उस दे मन विच आया कि ओह भी कां नाल गुआंढी वाला ड्रामा करे। ओह भी पिप्पल हेठां बैठ गया ते रस्सा वटन लगा। कां भी आके टाहनी उत्ते बैठ गया ते कहन लगा बाबा जी रस्सा किस लई वट रहे हो। किसान ने उस गवांडी वांग ही कह दिता कि इस नाल तैनू बनागा। कां यह गल सुन के खिड़ खिड़ के हसन लगा। कां कहन लगा कि तू मैनू बनेगा। अपने परिवार नू ते एकजुट करके बन ना सकिया। जिस बाबे दी रीस करके तू खजाना लैन दी कोशिश कर रहा है ओह तुहाडी बेइतफाकी करके पूरा नहीं हो सकिया। उहनां दा इतफाक देख के मैं उहनां नूं खजाने दा पता दस दित्ता सी। कां ने कहा कि इह तेरे वस नहीं है। सो सानू इस कहानी तो सिक्ख्या मिलदी है कि एके ते मेहनत विच ही बरकत है। सानू कदे भी मेहनत करन तो झिझकना नहीं चाहिदा। हमेशा मिलजुल के रहना चाहिदा है।